गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। कश्मीर एलओसी राइड के आज के इस एपिसोड में अभी हम है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किरण गांव में। अब इस किरण गांव की सबसे ज़्यादा खास बात यह है, ये इंडिया में भी है, ये पाकिस्तान में भी है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक नदी बहती है जिसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा से इंडियन साइड ऑफ कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ना कोई बॉर्डर है, ना कोई फेंसिंग है, ना ही कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट। हालाँकि ऑब्वियसली आप यहाँ से उस साइड नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर हमारी आर्मी बैठी है और जो आपको देख भी रही है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको पूरा गांव घुमाने वाले हैं, यहाँ के लोगों से मिलवाने वाले हैं, यहाँ का कल्चर दिखाने वाले हैं। हमारे साथ हैं जाहिद भाई, हमारे साथ हैं जाहिद भाई और जाहिद भाई यहाँ जो राजा टेंट वैली है यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं। सामने इनका होम स्टे भी तैयार हो रहा है और जाहिद भाई यहाँ के लोकल हैं। जाहिद भाई से हम कल मिले, बाकी आज हमें जाहिद भाई पूरा किरण का जो गांव है वो घुमाएंगे, यहाँ के लोगों से रूबरू कराएंगे, यहाँ की कहानियाँ भी सुनाएंगे। जाहिद भाई आपको यहाँ रह के कैसा लगता है, मज़ा आता है? मज़ा तो जाहिर सी बात है मज़ा है यार, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्क नहीं है। हाँ। थोड़ा सा बंदा दुखी हो जाता है, जैसे नेटवर्क नहीं है, रोड अभी सही से नहीं है। हाँ। 5-6 किलोमीटर जो ख़राब है तो बाकी ठीक है, बाकी सब मामला सेट। हाँ, बाकी ठीक। लेकिन मैंने भी देखा कि यार जो हमारे सामने का, ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि जो पड़ोस का घर है वो हमें ज्यादा अच्छा लगता, अच्छा भी है। नहीं, लगने का कहने का ये मतलब है अच्छा लगता नहीं है, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया है वहाँ पे। 2007 से उनका ये काम मतलब टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, तो भाई अभी आप खुद भी देखेंगे कि वहाँ के मतलब सिस्टम क्या है। बहुत यार वो चीज़ मतलब देख के ना बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मतलब हम कितना गिल्टी फील करते हैं इस चीज़ पे। वैसे देखा जाए तो वहाँ टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं। हाँ, वो कैसे होते हैं भाई, देखो जब वहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट किया तभी हुए ना, तो जैसे हमारे यहाँ अभी दूसरा साल है इसमें, तो ऐसा ऐसा जब हमें हमारी गवर्नमेंट इसको अप करेगी तभी तो कुछ होगा। ये जो नदी आप देख रहे हो ये है किशनगंगा और इसके उस साइड है पीओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा इनका ये पाकिस्तान साइड का किरण है, पीओके साइड का। और एक चीज़ इन्होंने रातों रात यहाँ पे लिखवा दिया, कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं। भाई लोग कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप लोग? हम यही लोकल के, लोकल कुपवाड़ा से हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ आके? बस एकदम बढ़िया, एक मजा आ रहा है। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? यहाँ के लोग अच्छे लगे। और यहाँ पे ये नदी कैसी लग रही है आपको? नदी काफी गहरी लग रही है मुझे, वरना क्रॉस कर जाते। आप लोगों का क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? कल मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, कल बॉन फायर आप कर रहे थे। हाँ। किसी ना किसी तरीके से उनको जला रहे थे। हाँ। मजा आ रहा था, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मतलब मजा आ रहा था। वो वहाँ से भी करने लगे फिर। हाँ, वहाँ भी दोनों हाँ। तरफ से जल रहा था। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम ओएस है। सॉरी, ओएस ओएस। कहाँ से हैं आप भी? कुपवाड़ा से? हाँ, मैं भी कुपवाड़ा से। यार कुपवाड़ा भी आपका बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट बहुत डेवलप्ड भी है। बहुत ज्यादा। यहाँ कैसा डेवलपमेंट है? बहुत अच्छा है, थोड़ा और लेकिन चाहिए। हाँ, बहुत रोड में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप और लोगों को बताइए यहाँ पर लोग आए। हाँ, आएंगे। क्या चाहते हैं, लोग आना चाहिए कि नहीं? और नहीं तो क्या। हाँ, और ज्यादा लोग आना चाहिए। और क्या आपको बाकी यहाँ पे खाना वाना सब कुछ कैसा? बढ़िया, बहुत अच्छा, मजेदार है। हाँ, मजेदार, मतलब 2-4 दिन गुजारने लायक है। हाँ, ज्यादा ज्यादा हफ्ता, एक महीना। आपका क्या नाम है भाई? परवेज। परवेज, परवेज भाई कैसे हैं आप? बस ठीक, मजा आ रहा है यहाँ पे। जी जी। और कैसा लग रहा है पूरा पीओके देख के? बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छा लग रहा है। क्या मजेदार बात होती है ना, यहाँ पर कोई ब्रिज होता और हम वहाँ पर जा भी पाते फिर वापस आ भी पाते, थोड़ा अच्छा लगता। सही सही। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर के हैं, और एक चीज जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का देखकर मामला ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और यहाँ थोड़ा देखकर लग रहा है कि डेवलपमेंट की कमी है, कैसा ऐसा लग रहा है? सही बात है, वो टूरिस्ट प्लेस लग रहा है वहाँ पे, यहाँ पे डेवलप हालात खराब रहती है।
लेकिन वैसे देखा जाए तो इंडिया डेवलप्ड है उनसे ज्यादा। यही बात है, तो यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे इस पर तवज्जो ज्यादा नहीं देती है, देना चाहिए लोग। क्योंकि देखो रात में जब हम देख रहे थे पूरा एकदम जगमगा रहा था और हमारे पास थोड़ा दो चार लाइट थी, तो ये भी थोड़ा जरूरी है कि यार वहाँ पे लाइट, यहाँ पर लाइटिंग भी नहीं है, वहाँ पे वो चमक रहा था, नेटवर्क भी थोड़ा सा कम है, और भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा इधर दिक्कत है। बाकी एक चीज मैं शहजाद भाई से पूछना चाहूंगा। शहजाद भाई एक बात बताएं, और भी आप भी भाई आ जाए यार। मैंने सुबह सुबह देखा यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड बनवा दिया है, कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहते हैं? बस जहाँ तक मेरी सोच जहाँ तक जाती है, जो ये कश्मीर इक्वल पाकिस्तान लिखा हुआ है, बीच में जो है ना इक्वल जो है वो रेड लाइन से है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल है इसका, ठीक है, तो हमें जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है तो बस इसका तो ये मतलब पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं या ताना मार रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस मेरे हिसाब से तो यही है, ये ताना दे रहे हैं, मुझे नेगेटिव लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कश्मीर है, कश्मीर, ये मतलब कश्मीर क्या पाकिस्तान का है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? नहीं नहीं, कश्मीर तो कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान भी तो नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल, तो ये एक तरीके से चीज तो गलत है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गलत है बिल्कुल। तो क्या करें, चल के निकाल दें फिर, कहा नदी तो इतनी ड्यूब है कहाँ से। लेकिन एक चीज और इन्होंने बहुत अच्छा नोटिस किया कि बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल लिखी हुई, पर इक्वल टू में रेड लगा दिया। वो रेड लगा, वो लग रहा है कि कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है वो हमारा सर। रेड का मतलब होता है ये हमारा है, हमारा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा ये कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान कब लिखा गया था? ये सर इसको हो गया दो तीन महीने हो गए हैं। दो तीन महीने पहले नहीं लिखा, पहले नहीं था। अब इसका ये ऑब्वियसली हम तो जानते हैं कश्मीर इंडिया का है, बिल्कुल, चाहे उस साइड का हो चाहे इस साइड का हो, वहाँ के लोग भी अपने हैं, वहाँ की जमीन भी अपनी है। हालांकि अभी थोड़ा सा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो जाए, कुछ क्या आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन ये ऐसा देख के मुझे तो बड़ा बुरा लगा, आपको कैसा लगा? आप हमें रोज भी जाहिर सी बात है भाई, हमारा है, हमें बुरा नहीं लगेगा तो किसको लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि ये जो कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, इसको नहीं हटाए, यहाँ इतना ज्यादा डेवलप्ड हो जाए कि वहाँ लेकिन लोग सोचे कि कश्मीर इक्वल्स टू इंडिया लिखना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई बंदा कुछ लिख के दे रहा है तो हम उसको बस लिखने के हटाने से कुछ नहीं होना है, यहाँ इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए कि वहाँ के लोग खुद सोचे कि नहीं यार क्या कश्मीर इक्वल्स टू। बिल्कुल, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है, हम दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे डेवलप और ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। उनका क्या है, कुछ भी नहीं, उनसे डबल होना चाहिए। अच्छा मुझे जाहिद भाई एक बात बताओ, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे आप क्या क्या चाहते हैं? देखो मेन भाई, देखो हमारे पास नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है वो मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपको भी पता है रात को आए आप, मतलब बंदे को एक घंटे के बाद मैसेज आती है, पता नहीं चलता है कौन क्या। जैसे मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं वो मुझे कॉल करते हैं, जाहिद भाई हमारे हमें आपके पास आना है, लेकिन जब मेरी बात ही नहीं हो पा रही है तो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है। फिर उसके बाद रोड है, रोड का काम चल रहा है, लेकिन अभी रोड भी पूरी तैयार नहीं हुई है। तो एक मेन चीज़ है यहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ पे गाड़ियों को आने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत क्या, यहाँ आ ही नहीं पाती है। आपने देखा होगा कि कल कैसे हम आए, आपने बाइक लाई, मतलब 15 साल से वो जो पुल है वो कट है, यहाँ के लोग मतलब पैदल आते जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है भाई। ये मेन चीजें जो हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है, आने वाले वक्त में होनी चाहिए। अगर जो और जो जिस पुल से आप आए, इधर आ जाओ ना, जिस पुल से आप आए ना, लकड़ी का जो पुल है वो गांव वालों ने खुद बनाया है। अच्छा। अपने चलने आने जाने के लिए अपना पैसा इकट्ठा करके। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें एक बार, क्यों अगर यहाँ पे टूरिज्म सपाट बनाए तो भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि टूरिज्म के लायक तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत अच्छी जगह है, सिर्फ यही नहीं कि सामने से पाकिस्तान का कश्मीर दिखता है, इस कारण से नहीं है ये टूरिज्म, ये जगह इतनी प्यारी है। आप सोचो कि चारों तरफ पहाड़ है और इसके बीच में एक बसा हुआ, उनके गोद में बसा हुआ है, बिछड़ा हुआ मतलब एक इलाका है बिछड़ा हुआ, जो मतलब कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है हमें। जाहिद भाई आप बिछड़ा हुआ क्यों कहते हैं? तो भाई देखो बिछड़ा हुआ ये लग तो रहा है बिछड़ा हुआ भाई, क्योंकि मतलब फील होता है भाई हमें अपने पड़ोसी मुल्क को देख के कि भाई जब वो इतनी तरक्की कर सकते तो हम क्यों नहीं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत मतलब अमीर है तो वो क्यों नहीं कर सकती है? थोड़ा सा दिल दुखता होगा उनको देख, थोड़ा नहीं भाई बहुत ज्यादा दुखता है, फील बहुत होता है, क्योंकि हम कभी उधर फिर ध्यान भी नहीं देते। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट वगैरह आया बस उनसे ही बातें चीतें करते रहते हैं कि क्यों क्या हमारा ध्यान वहाँ ना जाए। लेकिन मुझे उम्मीद एक यही है कि बहुत जल्द यहाँ पर डेवलपमेंट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क सब कुछ आएगा, क्योंकि
क्योंकि कश्मीर बदल रहा है। बिल्कुल, तो जैसा हर जगह लिखा हुआ भी है, अब कश्मीर बदल रहा है तो बहुत जल्द ये जगह भी बदलेगा। जो आप ये चार पांच कैंप देख रहे हैं, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपने इशारा किया ना, मुझे लगा। तो जैसे आप यहाँ चार पांच कैंप देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ चार पांच हवेली हो जाए। बिल्कुल, अगली बार जब हम जाहिद भाई से मिलेंगे तो जाहिद भाई के पास इतना फुर्सत शायद ना हो कि वो हमें पूरा। नहीं मैं वेलकम पहले भी जैसे करता हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे ही रहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिद भाई यार बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में तो मैंने लोगों से थोड़ा इनका ओपिनियन पूछा कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ आके। ये भी ऑब्वियसली कश्मीर से आए हैं, कश्मीर के एक इंटीरियर पार्ट पे आए हैं, इनको कैसा लग रहा है, इनकी क्या डिमांड है, ये सारी बातें। और मैं कोशिश करूँगा कोई अगर सामने गाँव वाले जो लोग हैं उन्होंने उनका भी कुछ ऐसा डिमांड होगा, उनकी भी कुछ बातें होंगी, तो वो भी कुछ अगर कहना चाहे तो वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं गांव की तरफ। चलें, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, जैसे ये हमारे लोकल यहाँ के हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा के अपने ही डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको दो साल पहले ये पता नहीं था कि केरन, नाम सुना था लेकिन पता नहीं था कहाँ पे है। सही बात है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जो कोई भी आता था वो पूछता था पिछले साल, पूछता था मतलब जैसे बाहर से कोई बंदा आया दूसरी स्टेट से, वो पूछता था कि भाई केरन कहाँ पे है, ये बोलते थे भाई हमें पता नहीं है। वो सच बात है कि पता नहीं था किसी को केरन भी कोई जगह है। अब पता चल गया आपको केरन कहाँ है, पता चल गया। जी, अब आप सबको बताना, अब तो एक्सप्लोर हो रहा है कि केरन कहाँ है, केरन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, और आना है इधर लोगों को और लाना है। और मस्त बात यह है कि इस गांव का नाम भी किरण है और उस गांव का भी नाम किरण है। चलो, थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ कुछ और भाई लोग हैं। मैं नहीं है। आपका नाम है? सुहेल। आफाक। साद। आप हैं? बेंगलोर से। कश्मीर से। कुपवाड़ा। तो ये बताएंगे इनको यहाँ पर आके कैसा लगा, इनका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बताओ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? हमें तो पाकिस्तान देखना था बस इसीलिए आ गए। अच्छा, और इनको दिखाना था, ये तो बेंगलोर से आए हमारे दोस्त। अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा? हम बेंगलोर से आए सिर्फ 8 दिन के लिए, डर लगता था कश्मीर जाएंगे क्या होगा, पर यहाँ के लोग और क्या बढ़िया है, मतलब यहाँ का मौसम, सबको एक बार तो आना ही चाहिए। ये बात सही है कि इट्स हेवन ऑन अर्थ करके, इतना नज़दीक पाकिस्तान आज तक कोई, मतलब मैं नहीं जानता जो गया हो हमारे रिलेशन में, खानदान में, लेकिन आप अपने खानदान में फर्स्ट है जो इतना पास, इतना पास पाकिस्तान के आ रहा हूँ। आपको कैसा लगता है? हम तो यही पैदा हुआ है, हमें तो बहुत मस्त लगता है। मैं बेंगलोर में रहा हूँ 5 साल, लेकिन यहाँ आके अलग ही सुकून मिलता है। जैसे वहाँ देखता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लाइट्स थी, बहुत सारे होटल्स थे, रात में यहाँ एकदम बिल्कुल गुप्त अंधेरा, तो ये देख के कैसा लगा? थोड़ी डेवलपमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट पर। अच्छा, कैसे आए आप लोग? हम लोग सोमू से आए, टाटा सोमू। और कैसा था रोड, मज़ा आया? रोड पूरा ठीक था, बस यही 5-6 किलोमीटर अच्छा नहीं था। अगर वो बन जाए तो और मज़ा आएगा। वो बन जाएगा तो भाई यहाँ पे पूरा टूरिज्म, मतलब अभी इतना अच्छा स्पॉट है टूरिज्म के लिए, बस थोड़ी सी डेवलपमेंट चाहिए। एक चीज़ मुझे बताएंगे, वहाँ पे उन लोगों ने लिख दिया कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान, उसको देख के कैसा लगा? वो क्या, वो उनकी, उनका अपना सोच है, हम अपना सोचते हैं। आपका क्या सोच है, आप बताएं? हमारा क्या सोच है? कश्मीर इक्वल टू इंडिया, यही लिखवा दे फिर उधर। वहाँ तो नहीं लिखवा सकते, तो नदी पार करना पड़ेगा, पानी ठंडा है वरना चले जाते। यार देखो, ये तो था यहाँ के लोगों का, कश्मीरी लोगों का, ये जो कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान लिखा हुआ, इसके ऊपर व्यूज़, किरण के ऊपर व्यूज़। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की, बिज़नेस की, जैसे जितने भी घर हैं जो अबेंडेंड हैं, जिस पे अब कोई भी नहीं रहता, चाहे तो लोग यहाँ पर इसको होम स्टे, होटल कुछ भी बना के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये रोड बन जाए, अगर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आ जाए, तो यहाँ पर जितना सामने डेवलपमेंट है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और ये ऐसी कुछ नई बात नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी एरिया को देखो उससे ज़्यादा इंडिया डेवलप्ड, तो ये किरण क्यों नहीं? क्या कहते हो जाहिद भाई? बिल्कुल भाई, तो मैं 100% सही है। मैं जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो देख रही हैं, फिर कोई भी ऐसा बंदा जो जिनके तक ये वीडियो पहुंचा सकता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पहुंचाएं कि यार ये जो हमारा गांव है इसको भी डेवलप करना है। वैसे इंडिया के बहुत सारे गांव हैं जिनको डेवलप करना है, लेकिन इसको तो बहुत जल्दी करो, क्योंकि वो सामने वाले भी तो देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक मैसेज भी देना यार कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे हैं, तो इसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बोलूँगा, आप नहीं बोलना भाई। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करके बहुत दूर से आए हैं बाइक पे। हाँ,
तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द कश्मीर एलओसी राइड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।